हैदराबाद तक न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। नामपल्ली हल्का असेंबली के तहत रेड हिल्स डिवीजन में फैप्सी के रूबरू एक ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से भयानक आग भड़क उठी। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इत्तला के साथ ही रेड हिल डिवीजन कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान, एरिया प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइन, एक्टिव वर्कर्स निज़ामुद्दीन लड्डू, सैयद अबरार, मोहम्मद इमरान और दीगर मजलिसी कारकुनान ने वहां पर पहुंचकर पुलिस और फायर फाइटर के अमले को इस बात की इत्तला दे दी। ट्रांसफार्मर से मुत्तसिल अपार्टमेंट के फोर्थ फ्लोर में भी आग भड़क उठी। इत्तला के साथ ही फायर फाइटर के अमले ने 10 मिनट के अंदर अंदर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। वहां के लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जीएचएमसी की लापरवाही की वजह से आज ये बड़ा हादसा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अहदेदार फिलहाल वहां पर ट्रांसफार्मर को ठीक करने में मसरूफ है। इसी तरह की मजीद तफसीलात के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक उठा रही है, गाड़ी यहाँ लेके आ रहे। अरे फर्स्ट फ्लोर बिल्डिंग फायर फायर आ रहा। अरे
ओके सर Thank you.